से गत्ता हटा देता है और चेक करो यार हमें ज्यादा स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा आज का व्लॉग। तो आज हमने ना पार्सल मंगवाया बहुत सारे गुड्डों का, बहुत ही कमाल के गुड्डे शुड्डे होने वाले हैं, आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अड्डे से जो है ना जो बिल्टी वाला अड्डा होता है वहां से अपना जो पार्सल है वो लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं और उमर भाई जो है ना सामान लेने के लिए जा रहे हैं, चले उमर भाई चलो चलो जल्दी चलते हैं और जाके ना अपना जो सामान है ना वो लेके आते हैं। दोस्तों हमारा जो पार्सल है ना वो आ चुका है, ये पड़ा हुआ है, अभी इसे उठाते हैं और लेके जो है ना घर चलते हैं। तो अभी यार हम जो अपना सामान है ना लेके घर वापस आ चुके हैं, ये चेक करो यार हमारा जो कट्टू है ना यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी जो है ना इसे शाम में खोलेंगे, अभी धूप काफी ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। तो आप लोगों को शाम में मिलते हैं, जब थोड़ी सी ना छांव हो जाएगी तब अपना जो पार्सल वाला इसे खोलेंगे। तो दोस्तों अभी जो है ना शाम हो चुकी है और उमर भाई और अली भाई जो है ना हमारे साथ हैं, पार्सल लेके आ चुके हैं। अभी इस पार्सल को ना ऊपर लेके चलते हैं। दोस्तों अभी जो है ना हम अपना जो पार्सल है ना बड़े वाला बहुत ज्यादा इसके अंदर काइट देखने के लिए मिलने वाले हैं लेके छत के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें से आप लोगों को ना सारा पार्सल खोल के दिखाएंगे क्या क्या देखने के लिए हमें मिलता है, बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। बहुत कुछ है, बहुत सारे काइट्स है, भर भर के आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अभी जो है ना ये देखो कैंची मैं लेके आया हूँ, अपना जो पार्सल है ना इसे आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपना जो पार्सल है ना इसे मैं खोलने वाला हूँ, यहाँ पे कंची लगा दी हमने और ये देख सकते हो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पार्सल हमारा ओपन होता जा रहा है। और ये देखो यहाँ से काटने वाला रह गया थोड़ा सा, ये देख सकते हो यहाँ से भी काट देते हैं। और अभी हम क्या करते हैं कि अभी जो यहाँ से है ना पार्सल को यहाँ से खोलना है, अभी यहाँ से कैंची लगा के काट देता हूँ मैं। और ये देखो हमारा जो कट्टू है ना आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है, ये देखो ये वाली साइड है यहाँ पे भी कैंची लगा देते हैं। और ये देखो हमारा जो पार्सल है ना अच्छे तरीके से यहाँ से ओपन हो चुका है। अभी जो है ना इसका ऊपर वाला गट्टू मैं स्पीड के साथ उतार लेता हूँ। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा पार्सल आ जाता है, इसे खोल लेते हैं। ये देखो इसका जो रिबन शिबन है ना हमने काट दिया है। तो अभी चेक करते हैं इसके अंदर हमें देखने के लिए क्या मिल जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये छोटी गोटे मिलती हैं, बहुत ही कमाल की और खूबसूरत वाली छोटी गोटे हैं, चेक कर सकते हो अलग अलग कलर में आ जाती हैं। इसे साइड पर रख देता हूँ। इसके बाद उससे बड़े वाला थोड़ा सा कुप्पा आ जाता है, ये देखो ढेर सारे पीस हैं, दो दो चार दो छः दो आठ और दस, 10 पीस टोटली हमारे पास आ जाते हैं बहुत ही कमाल के छोटे छोटे, इन्हें भी साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये देख सकते हो उससे थोड़े से भरे हैं ये वाले पीस, और ये भी 10 के करीब आ जाते हैं, रंग भी रख गए हैं। इन्हें ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगा मैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बड़े वाला कुप्पा, इसे साइड पर फेंक देते हैं। ये देखो यार कितना बड़ा जम्बो साइज का कुप्पा है, ये केमिकल चेक करो इसकी कितनी ज़्यादा इसके अंदर देखने के लिए हमें मिल जाती है। इसे भी साइड पर रख देते हैं। अभी जो अपना बड़ा पार्सल है ना गुड्डों का उसे अनबॉक्स करते हैं। ये जो कंची है ना इसके साथ हम जो अपना पार्सल है ना इसे काट लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो ये हमारा जो पार्सल है ना कुछ इस तरह से हमने काट दिया है। अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसे हटाता हूँ। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नहीं किया ना लाजमी से कर लो यार। अभी जो है ना आपका भाई ये ऊपर से गत्ता हटा देता है और चेक करो यार हमारे पास कितना ज्यादा स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। अभी दिखाता हूँ हमारे पास कौन कौन से गुड्डे आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी जो है ना हमारे पास सबसे पहले फद्दर शल्ला काइट आ जाता है, बहुत ही कमाल का खूबसूरत वाला, ये चेक कर सकते हो जो ब्राउन कलर में, इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है पहले वाले फद्दर शल्ले से और बहुत ज्यादा ये खूबसूरत भी लग रहा है। तो अभी इसे साइड पर रख देते हैं। ये हमारे पास टोटल 4 पीस थे। इसके बाद हमारे पास ये देख सकते हो रंग बिरंगी परियां आ जाती हैं छोटी वाली, ये कम से कम 6 पीस हमारे पास देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों अभी जो है ना हम दिखाते हैं आप लोगों को रेड कलर का फद्दर शल्ला काइट, बहुत ही कमाल का और यूनिक काइट है ये, पहले कभी भी आपका भाई स्टॉक में नहीं लेके आया, पिछले पुराने जितने भी स्टॉक आ जाते हैं नहीं हमारे पास देखने के लिए मिलता, ये वाला जो है ना बिल्कुल नया आया है, आपका भाई लेके आ चुका है। ये चेक करो यार कितना खूबसूरत और जर्मन पेपर में है, इसे भी साइड पर रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये
ये देख सकते हो परियां काइट आ जाती है बहुत ही कमाल की और खूबसूरत ऑरेंज कलर की। इसकी नीचे से पूंछल आ जाती है और इसके ऊपर लाइनिंग शाइनिंग लगी हुई है बहुत ही कमाल की और खूबसूरत वाली लग रही है। अभी जो है ना इस वाली परी काइट को भी साइड पे रखते हैं। तो अभी ना आप लोगों को मैं चेक करवाता हूँ, ये देखो व्हाइट कलर के जो है ना फद्दर शले काइट आ जाते हैं बहुत ही कमाल के और खूबसूरत वाले। ये इसका साइज चेक करो कितना ज्यादा प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। आगे से भी चेक करवा देता हूँ, ये चेक करो यार कितने कमाल के और यूनिक फद्दर शले काइट आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑरेंज कलर में काइट देखने के लिए मिल जाता है, ये भी काफी जो है ना यूनिक काइट है। ये आपका भाई 100 तावा घुड़ा लेके आया, पूरे जो है ना 100 हैं ये हमारे पास आ जाते हैं और बहुत ही कमाल के और चार चार पीस देखने के लिए हमारे पास मिल जाते हैं। इसे भी साइड पे रख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये देख सकते हो प्योर जर्मन पेपर में ना ओरिजिनल काइट आ जाता है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करो यार कितना ज्यादा कमाल का है और इसकी आवाज चेक करो जब उड़ने वाला ना बहुत ही लेवल का लगेगा। और ये इसका तीले वगैरह भी बिल्कुल ठीक है, पीछा करने में भी काफी मजा आएगा। मैं और उमर भाई भर भर के पीछे करेंगे और एक दूसरे के गुड्डे शुड्डे भी काटेंगे। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को ना ये चेक करो यार, ये कलर जो है ना मेरा फेवरेट हो गया, मुझे ये कलर बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। जब ये आसमान में उड़ता है ना बहुत ही लेवल का लगता है ये वाला काइट उड़ता हुआ। और चेक करो ये हमारे पास जो है ना पूरे 4 पीस आ जाते हैं और बहुत ही लेवल के हैं, इन्हें भी साइड पे रख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो है ना पिंक कलर का आ जाता है जर्मन पेपर का काइट जो कि प्रोफेशनली बने हुए हैं। और चेक करो इनका साइज कितना ज्यादा कमाल का और खूबसूरत लग रहा है। अभी ये चेक करो, मैं आपको एक काइट निकाल के ना चेक करवाता हूँ। ये देखो यार कितने लेवल के और कमाल के प्रोफेशनली बने हुए काइट हैं, इन्हें भी जो है ना साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ना ब्लैक कलर की परियां आ जाती हैं बहुत ही लेवल की हैं। ये पहले मैं कभी नहीं लेके आया, इस बार लेके आऊँ काली बम्ब परियां जो है ना हमारे पास आ जाती हैं। ये लिपो परियां हैं पर उड़ेंगी बहुत कमाल की, कम हवा में भी उड़ सकती हैं और तेज हवा में भी इजिली उड़ जाएंगी। अभी जो ये वाली काइट्स हैं इन्हें भी मैं साइड पर रख देता हूँ और ढेर सारे हमारे पास काइट देखने के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं। अभी ये चेक करो यार हमारे पास कितना कमाल का यार ये वाला कलर आ जाता है। ये कलर पता नहीं कौन सा है, उमर भाई कौन सा कलर है ये? ये ब्राउन कलर है। ये ब्राउन कलर है यार, उमर भाई ब्राउन नहीं लग रहा मुझे, मेहरून टाइप होता है भाई। मेहरून कलर है ये वाला, बहुत ही कमाल का है। और पान पत्ता चेक करो इसका कितना लेवल का है और बहुत ही खूबसूरत काइट है, इन्हें भी साइड पे रख देते हैं। इसके बाद आपको व्हाइट काइट जो है ना वो चेक करवाता हूँ। ये चेक करो यार हमारे पास व्हाइट काइट बहुत ही लेवल के और यूनिक है। ये चेक करो यार, ये देखो इनका जो है ना मतलब ताव भी बहुत लेवल का है और जब ये उड़ेंगे ना बहुत लेवल के लगेंगे। इनसे भी पेचा शिचा करेंगे, एक दूसरे के गुड्डे शुड्डे भी हम काटेंगे, इन्हें भी साइड पे रख देते हैं। तो अभी ना मैं आप लोगों को डब्बियों वाली परी चेक करवाता हूँ। ये चेक करो यार डब्बियों वाली परी आ जाती है बहुत ही लेवल की है। ये चेक करो यार, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये अभी से उड़ने की जो है ना फिराक में है, ये बहुत लेवल की परियाँ आ जाती हैं हमारे पास, इन्हें भी मैं साइड पर रख देता हूँ। ये देखो अभी से जो है ना उड़ने का इनका दिल कर रहा था, अभी जो है ना हमारे पास ये चेक करो यार बहुत ही कमाल का मोटे मार्क आइटा आ जाता है, बहुत ही यूनिक है। ये चेक करो यार इनका जो है ना तीला वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छा लगा हुआ है, टूटता भी नहीं है, काफी ज्यादा इनमें लचक शचक है। इसके बाद सिप्पी गुड्डे भी आपका भाई लेके आया है। ये चेक करो यार हमारे पास डिजाइनिंग वाले सिप्पी गुड्डे आ गए हैं इस बार, इनसे भी जो है ना पेचा शिचा करना है, इन्हें भी उड़ाना है, इंजॉय करेंगे, उड़ा के चेक करेंगे और किस तरह के। ये देखो बहुत ही खूबसूरत काइट और अलग अलग रंगों में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये दूसरे कलर में आ जाते हैं, मतलब दूसरा डिज़ाइन है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है उस वाले जो सिप्पी गुड्डे हैं उनसे। इसके बाद आप लोगों को अभी बड़े काइट जो है ना हमारे पास वो दिखाता हूँ। तो अभी ना आप लोगों को बड़े जो काइट है ना हमारे पास वो चेक करवा देता हूँ। ये चेक करो यार कितने खूबसूरत और डेंजरस काइट आ जाते हैं हमारे पास आंखों वाले। ये मेरे जो काइट्स हैं ना बहुत मुश्किल से लिए हैं उधर से, वो देते नहीं हैं, वो कहते हैं कि यार ये हमारे डिस्प्ले में लगे रहते हैं इसलिए। तो अभी ये वाले काइट को मैं साइड पर कर देता हूँ और ये वाले काइट चेक करो यार कितने कमाल के और खूबसूरत लग रहे हैं, इनकी आंखें शांखें बनी हुई हैं, मुझे ये वाले काइट बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, इन्हें भी साइड पे रख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये देखो यार बहुत ही कमाल के फूल वाली आंखें बनी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही यूनिक काइट है, 1.5 तावे हैं ये वाले, इन्हें भी साइड पे रख देता हूँ। इसके बाद आप लोगों को एक यूनिक चेक चीज जो है ना चेक करवाता हूँ, इसके लिए तो लाइक बनता है। ये चेक करो यार कितना खूबसूरत काइट है, ये वाले जो काइट है ना आपका भाई पहली बार लेके आया है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज और चेक करवाता हूँ। ये देखो यार 2-2 काइट है हमारे पास बहुत ही कमाल के और खूबसूरत वाले,
इस तरह के काइट जो है ना, ये देखो इनकी जुबान भी भरी हुई है, मॉन्स्टर काइट आप लोग इन्हें कह सकते हो। इन्हें भी साइड पे रख देते हैं। और यार ये देखो हमारा जो एक तीला काइट है ना, इसका तीला टूट गया। जो जख्मी काइट है इन्हें साइड पे फेंक देते हैं, पता नहीं ये किस तरह से टूट गया। बाकी आपका भाई इस बार ना बड़े पान पत्ते वाले गुड्डे ले आया है, ये ना बहुत मुश्किल से मिले हैं। ये वाले जो काइट्स हैं ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ये बिक जाते हैं, ये पीछे में बड़े इस्तेमाल होते हैं। जब ये उड़ते हैं ना इस तरह लगता है कि ये ढाई तावा उड़ रहा है, पर इनका साइज छोटा ही होता है, पर आसमान में काफ़ी ज़्यादा बड़े लगते हैं। मुझे जो ये येलो कलर वाले और दूसरे जो काइट है ना बड़े पसंद है, इस तरह के जो पेचे वाले होते हैं ना, ये देखो यार इस तरह का ये वाला जर्मन पेपर में आ जाता है काइट, इसे भी जो है ना साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये देखो बड़े पान वाले ढेर सारे कलर जो है ना आपका भाई लेके आया हुआ है। अभी ये देखो इसका भी तीला तीला टूटा हुआ है। इससे ना रिपेयर करने का जो तरीका ना आपका भाई आपको बताएगा, बहुत ही लेवल का ट्रिक होता है। ये चेक करो यार व्हाइट कलर में आ जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को ना मैं दोखली काइट चेक करवाता हूँ। ये चेक करो यार दोखली काइट है हमारे पास, व्हाइट कलर में आ जाता है, रेड कलर का ऊपर से इसका डिजाइनिंग शिजाइनिंग बनी हुई है। इन्हें भी साइड पे रख देते हैं और ये वाले भी साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये चेक करो यार मोटे मार काइट आ जाते हैं, बहुत ही यूनिक काइट है। और जो है ना आपका भाई इस बार जो है ना चुन चुन के काइट लेके आए जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएंगे। अभी हमारे पास ये चेक करो यार फिर से वो छोटे वाले गुड्डे शुरू हो गए हैं। ये वाले गुड्डे भी बहुत कमाल के हैं। और आपका भाई ये वाले जो काइट्स हैं ना पूरे 100 लेके आया है। अभी ये चेक करो अलग अलग कलर में हमारे पास आ जाते हैं देखने के लिए मिल रहे हैं, येलो में भी है, ब्लू में भी है, ढेर सारे जो काइट्स हैं ना आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये चेक करो यार ये वाले कलर सारे जो है ना डिफरेंट है। येलो कलर भी बहुत कमाल का है, जब ये आसमान में उड़ता है ना सूरज के साथ बहुत ही कमाल का लगता है। जो ये वाले काइट्स हैं इन्हें भी मैं साइड पे रख देता हूँ। इसके बाद ये देख सकते हो फिर जर्मन पेपर में जो है ना हमारे पास ब्लू काइट आ जाते हैं। इसके बाद ऑरेंज वाले काइट्स चेक कर सकते हो, ये भी ढेर सारे हैं, इन्हें भी मैं साइड पे रखता जाता हूँ। और हमारे पास पिंक कलर में भी आ जाते हैं, इन्हें भी साइड पे रख देते हैं। ये देखो पिंक कलर में बहुत सारे जो है ना हमारे पास कलर देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, जो जो ये छोटे गुड्डों के कलर हैं। ठीक है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये देख सकते हो इन्हें साइड पे लगाता जा रहा हूँ कि हमें जो है ना ऊपर ऊपर से काइट्स उठाने में आसानी होगी। यार ये वाले जो बिल्कुल ठीक रहते हैं काइट उड़ाने में भी और पेचा लगाने में भी, इनका भार भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो है ना जब पेचा किसी से करते हैं ना तो ये गुड्डे शुड्डे काट भी देते हैं। अभी जो है ना ये मैंने सारे ढेर जो लगा हुआ था ना हमारे पास ये गुड्डों का 100 तावा मतलब आटा है मेरे ख्याल से, आटा काइट मैं लेके आया हूँ। अभी ये सारे के सारे जो साइड पे रख दिए हैं। इसके बाद ना हमारे पास परियां आ जाती हैं बहुत ही कमाल की, अलग अलग डिजाइन में देख सकते हो बहुत ही कमाल की परी काइट है। इसके बाद ये वाली देख सकते हो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इन्हें जो है ना इस तरह से इकट्ठा करते हैं और साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये देख सकते हो कि ये वाली परियां काइट आ जाती हैं बहुत ही कमाल की और खूबसूरत वाली हैं। सारी परी काइट जो है ना अलग अलग और मुख्तलिफ कलर में हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, थोड़ी सी डैमेज भी हो चुकी हैं। ये वाली भी देख सकते हो कितनी लेवल की और थोड़ी सी अलग है, इसे भी मैं साइड पर रख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये देख सकते हो सिप्पी गुड्डा आ जाता है, बहुत ही कमाल का काइट है और खूबसूरत वाला काइट है। ये थोड़े से ना डैमेज हो जाते हैं जब बिलती आती है ना तब। इसके बाद हमारे पास ये देख सकते हो ये वाला भी सिप्पी काइट आ जाता है। और ये चेक करो सारे जो है ना मुख्तलिफ कलर हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपका भाई लेके आया हुआ है। ये चेक करो यार ये वाला भी बहुत ज़्यादा कमाल का और खूबसूरत काइट है। इसके बाद ये वाले चेक करो यार बहुत ही लेवल के और आला काइट्स आ जाते हैं हमारे पास। इसके बाद ये वाले चेक करो, हर डिज़ाइन जो है ना एक दूसरे से मुख्तलिफ देखने के लिए मिल जाता है, फिर साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास तुक्कल आ जाती है, ये देखो मुख्तलिफ कलर में आएंगी देखने के लिए मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, ये देखो सारी की सारी चेंज हैं एक दूसरे से, इन्हें मैं साइड पे रखता हूँ। तुक्कले तो हमारी जान है यार, ये वाली देखो यार कितनी लेवल की है, सिंपल जो है ना बनी हुई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सारी की सारी जो मैं काइट लेके आया हूँ ना तुक्कलें, ये उड़ती हैं। ठीक है, ये चेक करो यार ये वाला कितना खूबसूरत और सिंपल सा कलर आ जाता है, इसे भी साइड पे रखते हैं। इसके बाद हमारे पास कूप काइट भी आ जाता है, बहुत ही यूनिक बना हुआ है, इसे भी साइड पे रख देते हैं। इसके बाद ये देख सकते हो ये वाली काइट भी बहुत लेवल की है, 3 कलर में या 4 कलर में हमारे पास आ जाती हैं। 14 अगस्त वाली तुक्कल भी आपका भाई लेके आया हुआ है, इसे भी जो है ना ऊपर रखते हैं, झंडे का एहतराम करना है। ये तुक्कल जो है ना यहाँ से टूटी हुई है मेरे ख्याल से इसका तीला, पर कुछ नहीं होता, इसे भी रिपेयर करके ना उड़ा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वाली आ जाती है तुक्कल, सारी तुक्कलें जो है ना एक एक लेके आया आपका भाई और अलग अलग कलर में देखने के लिए मिल जाती हैं। ये चेक करो यार सारी जो तुक्कलें हैं ना, हर एक तुक्कल से दूसरी तुक्कल से मुख्तलिफ है, इन्हें भी यहाँ पर रख देते हैं।
इसके बाद हमारे पास ये वाली तुक्कल आ जाती है। ये देखो यार, यहाँ से इसका तीला टूटा हुआ है। बिल्टी में इस तरह ही होता है, तीले टूट जाते हैं, कुछ तुकले जो है ना बच जाती हैं। ये देखो यार, ये वाली तुक्कल में बहुत लेवल की और यूनिक है। इसके बाद ना हमारे पास ये ऑरेंज कलर में तुक्कल आ जाती है, बहुत ही कमाल की है, मतलब सेम टू सेम ही है दोनों कलर। ये वाली जो तुक्कल है ना बहुत लेवल की लगी थी मुझे, क्योंकि इसके जो डिज़ाइन है ना सारा मुख्तलिफ था। इसके बाद हमारे पास ये बड़ी वाली जो परियां ना आ जाती हैं, जो कि यहाँ से एक डैमेज है, बाकी जो दो हैं ना वो ठीक हैं, मतलब तीन ठीक हैं, और हमारा जो स्टॉक है ना यहाँ पे एंड हो गया है। अभी जो है ना हम सारे काइट्स यहाँ पे लगाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह के लगते हैं। तो यार अभी जो है ना आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने जो सारे काइट्स है ना रखे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत की है हमने, उमर भाई ने भी हमारे साथ मेहनत करवाई है, अली भाई ने भी करवाई है, और देख सकते हो हमारे जो काइट्स है ना यहाँ पे ढेर लगा हुआ है काइट्स का। कितने ज्यादा काइट्स हमारे पास देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ काइट्स नीचे पड़े हुए हैं। बहुत ही लेवल का सीन बना हुआ है हमारे जो काइट्स हैं इनका, हमारे पास देख सकते हो मुख्तलिफ तरह के सब काइट्स जो है ना देखने के लिए मिल जाते हैं। हर डिज़ाइन जो है ना हमारे पास पड़ा हुआ है काइट्स का, बहुत ही यूनिक काइट्स हैं। सबसे फेवरेट वो वाला काइट जो है ड्रोना, और ये आंखों वाले काइट बन चुके हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओका फिर।